जस्ब है बयानी, सदियां गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी। परियों को जीत लाए, इन्नों को भी हराए, इंसान में वो ताकत सब पे करे हुकूमत। अलिफ लैला यकीन मानो मेरा नाम सिंदबाद है, सिंदबाद जहाजी। मैं तुम्हारे और सुल्तान के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ और अब तुम्हें इस जालिम के पंजे से आजाद कराने आया हूँ। ये नामुमकिन है, मुझे इस जालिम के पंजे से कोई नहीं छुड़ा सकता, कोई नहीं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो खुदा पर भरोसा रखो, वो हमारी मदद करेगा। अब तो मुझे खुदा पर भी भरोसा नहीं रहा। नहीं नहीं, इंसान को किसी भी हाल में मायूस नहीं होना चाहिए। अगर तुमने भी मेरी तरह तूफान के थपेड़े सहे होते तो तुम भी इसी तरह मायूस हो जाते, दिन रात मौत की दुआ मांगते। मगर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुम्हें इस तूफान से निकाल ले जाऊंगा। अगर तुम मेरी मदद ही करना चाहते हो तो मुझे मार डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे। टुकड़े टुकड़े तो मैं उस देव के करूंगा, मगर पहले मुझे ये बताओ तुम पर क्या गुजरी, वो तुम्हें यहाँ किस तरह उठा लाया? मैं और सुल्तान एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, हमारे माँ बाप को भी हमारी पसंद पर कोई एतराज नहीं था, हमारी निस्बत भी तय हो चुकी थी, बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली थी। मैं बहुत खुश थी, हिरनी की तरह चौकड़ियां भरती थी, तितली की तरह उड़ती फिरती थी, हर वक्त खेल कूद में मगन रहती थी। रुखसाना, शबाना, पकड़ लिया। जी आपका गुलाम सुल्तान बख्त। अब आप अपनी हद से आगे बढ़ चले हैं, हमारे साथ गुस्ताखी भी करने लगे। आपके बेपनाह हुस्न ने हमको गुस्ताखी करने पर मजबूर कर दिया। बस जबानी भी शुरू कर दी। अजी ये भी आपके हुस्न का सदका है। ये बेअदबी है, क्या आप नहीं जानते कि अदब मोहब्बत की पहली शर्त है? हाँ जानता हूँ, लेकिन अब तो हमारी शादी भी होने वाली है, इसलिए अदब की ये कड़ी शर्त उठा ली जाए तो अच्छा है। ये आप अचानक बदल कैसे गए? क्या हुआ, जो काम कल करना है वो आज ही क्यों ना कर लिया जाए? क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रही हो? कल तक इन आंखों में मोहब्बत की चमक थी, नरमी थी, पाकीज़गी थी, मगर आज आज इन आंखों में हवस नजर आ रही है। अगर हवस है तो हवस ही सही। छोड़िए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, मुझे छोड़ दीजिए। इन होठों की प्यास बुझा दो। अपने होश में रहो सुल्तान। मैं अपने होश खो चुका हूँ। तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। मुझे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। ये साला। ये ढोंगी कौन है? सुल्तान, ये
एक बहरूपिया है जो तुम्हारा हमशक्ल बनकर मुझे लुभाने आया था, लेकिन मुझे मुझे इसकी हरकत पर पहले ही शक हो गया था। ए बुजदिल, तू कौन है? गजाला के लिए सिर्फ आशिक, और तुम्हारे लिए मौत। बकवास बंद कर, अगर मर्द का बच्चा है तो मेरा सामना कर। अपनी मौत से मत खेल नादान, इसका फैसला हमारी तलवार करेगी। ये क्या हो गया? सुल्तान! गजाला! गजाला! सुल्तान! गजाला, क्या हो गया? तुम सचमुच एक दिलेर नौजवान हो, मगर मेरा नाम भी खलकाश देव है, खलकाश देव। पर मैं तुम्हारी गजाला का आशिक हूं, और मैं उसे लेने आया हूं। मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता। मैं चाहूं तो तुझे चुटकी से मसल सकता हूं, चुटकी से। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं तो हमारी गजाला का दिल टूट जाएगा, और मैं अपनी गजाला का दिल नहीं तोड़ना चाहता। आओ गजाला, नहीं, नहीं। आओ गजाला, आओ गजाला, हमारे पास आओ गजाला, आओ, 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 इसे कमीने छोड़ दे, आओ गजाला, मेरी गजाला। और इस तरह उस जालिम ने सुल्तान को पिंजरे में कैद करके जंगल में डाल दिया, और मुझे बेबस करके मेरी हालत मुर्दे से भी बदतर कर दी। इसीलिए तो कहती हूँ कि मुझे मार डालो। अगर तुम मर गई तो सुल्तान का क्या होगा? तुम तो आसानी से जान दे दोगे, मगर वो जिंदगी भर उस जालिम के रहम और करम पर जिंदा रहेगा, और जब तक जिएगा तुम्हारी याद में तड़पता रहेगा। इसका कुछ अंदाजा है तुम्हें? तो फिर मैं क्या करूं? उस जालिम को मारा भी तो नहीं जा सकता, न जाने उसकी मौत का राज क्या है। हाँ, मैंने तुम्हें उस पर वार करते हुए देखा है, उसकी बातें भी सुनी है। काश मुझे मालूम होता उसकी मौत का राज क्या है। अच्छा, क्या तुम इस महल के रास्तों से वाकिफ हो? हाँ, एक मर्तबा उसने मुझे सारा महल दिखाया था। यहाँ कोई चोर दरवाजा भी है? ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक दरवाजा जरूर ऐसा है जो हमेशा बंद रहता है। मैंने उसके बारे में जानना चाहा तो वो टाल गया। बस तुम मुझे
अलावा? बाबा सिंदबाद है, सिंदबाद जाजी। मगर आपको कैसे मालूम? मुझे तो ये भी मालूम है कि उस सालिम देव की मौत तुम्हारे हाथों से होगी। मगर आप हैं कौन? मेरा नाम शेखपाल है, मैं उस बेईमान का उस्ताद हूं। उसने मेरे साथ तगा की है, तगा। और अब मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे अपने इल्म के जोर से मालूम था कि एक दिन सिंदबाद नाम का नौजवान आएगा और मुझे इस मुसीबत से निकालेगा। मगर आपकी हालत किसने बनाई? उसी कमीने ने, उसने मेरा जादू मुझ पर ही उलट दिया। मगर अब उसका वक्त आ पहुंचा है। मगर मैंने सुना है उसकी मौत का राज अलावा उसके और किसी को नहीं मालूम। उसकी मौत का राज सिर्फ दो आदमियों को मालूम है, एक वो खुद, दूसरा मैं। हाँ, आप मुझे वो राज बताएंगे? हाँ, मैं तुम्हें ये राज जरूर बताऊंगा। सुनो, उस जालिम की मौत उसकी खाल में है। खाल? हाँ, खाल, जिसे वो शीशे के मर्तमान में रखता है। हाँ। और जैसे ही वो खाल रखता है, वो खाल एक सांप बन जाती है। बस तुम किसी तरह उसकी वो खाल को चला दो, और जैसे ही तुम उसकी खाल को आग लगाओगे, वो भी जलकर खाक हो जाएगा। हाँ,
क्यों लगे हैं बाबा? बाबा 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 क्या हुआ? मैंने उसकी मौत का रहस्य तुमको बता दिया ना, इसलिए मेरे अंदर ही अंदर आग लग गई। मगर ये कैसे मुमकिन है? जादू में सब मुमकिन है। इस रहस्य से सिर्फ दो लोग वाकिफ थे, एक वो दूसरा मैं, क्योंकि ये सब जादू का खेल था। उसकी शर्त बड़ी अजीबोगरीब थी कि जो शख्स ये राज किसी को भी बताएगा वो अंदर ही अंदर चलकर मर जाएगा। तुम भी ये राज किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। मगर पापा, पापा जब आप जानते थे कि ये राज बताने के बाद आप नहीं बचेंगे, तो फिर क्यों आपने ये राज बताया? क्यों अपनी जान दे दी? तुम जैसे लोगों को उस जालिम से निजात दिलाने के लिए इस मासूम लड़की की मोहब्बत बचाने के लिए और उस कुत्ते को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। अच्छा बेटे सिंधबाद, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया, अब तुम भी अपना फर्ज अदा करो। उस बेईमान का खात्मा कर दो। मगर ख्याल रहे कि उसका वो राज किसी को मत बताना, नहीं तो तुम भी अंदर ही अंदर चलकर मर जाओगे। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा इस नेक इंसान को जन्नत नसीब करे। इसने हमारी खातिर अपनी जान दे दी। मगर वो राज तुम तो जानती हो, अब मैं भी वो राज किसी को नहीं बता सकता। मगर वो देव अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। उसकी जिंदगी के दिन अब पूरे हो चुके हैं। सिंधबाद, ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं। पकड़ लो इस हरामजादे को। क्यों जनाब सिंधबाद, तुम तो मेरी मौत का राज जान चुके हो ना, तभी चुप क्यों हो? बता दो गजाला को। अब तुम जिंदगी भर इसी कमरे में सड़ोगे, चाहने के बावजूद अपनी जबान नहीं खोल सकोगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए भी वही सजा सोची है जो अपने उस्ताद को दी थी। इस बदनसीब को उसी जगह लटका दो जहां हमारे उस्ताद लटके हुए थे। नहीं, 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 चलो, नहीं, चल मेरे साथ। नसीम, अब हमारी गजाला तुम्हारी निगरानी में रहेगी जी। और तुम्हें भी रोज रोज की मौत से छुटकारा मिल गया। और फिर कल तक की तो बात है। कल तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी।
तेरा अंजाम करीब आ चुका है। कौन मारेगा मुझे? अलिफ लैला, अलिफ लैला।